नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक नया स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने 39 फंदे डाल लिए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहली सिलाई, चलिए पहली सिलाई में हम सीधे सीधे फंदे बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब दूसरी सिलाई बनाएंगे। इसके लिए जो पहले 3 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है, 1, 2 और ये 3। 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर धागे को आगे करके 6 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, इस तरह से। अब धागा पीछे वाली तरफ करके 3 फंदे सीधे बुनने हैं और फिर धागा आगे करके हमने 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, इस तरह से। इसी तरह से रिपीट करते हुए इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट करना है। अब आ गई तीसरी सिलाई। इसके हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। ये देखिए, 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ गई चौथी। चौथी सिलाई में फिर से हमें वैसे ही पहले 3 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा आगे करके 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से हमने इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब पांचवी सिलाई को भी पूरा सीधा बुनना है और छठी सिलाई को भी हमने वैसे ही 3 फंदे सीधे और अगले 6 उल्टे, इस तरह से बुनते हुए छठी सिलाई को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब 7वीं सिलाई में हमने डिज़ाइन डालना है। ये देखिए, इसके लिए पहले 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए, इस तरह से। आगे वाले
ये देखिए आगे वाले 6 फंदे जो हैं उनमें से 3 फंदे हमने उतार लेने हैं और पीछे वाले 3 फंदे जो हैं वो उस सिलाई पे चढ़ा देने हैं पहली वाली पे। और ये जो नीचे फंदे उतारे हुए हैं इसको हमने सिलाई पे चढ़ा के पीछे कर लेने हैं, और जो आगे वाले फंदे थे वो पीछे चले गए, जो पीछे वाले 3 फंदे थे वो आगे चढ़ा देने हैं। ये इस तरह से आगे वाली तरफ सिलाई में ये चढ़ा लेने 3 फंदे, और फिर इनको हमने 6 फंदों को सीधा बुन लेना है। अच्छा जी, अब देखिए ये 6 फंदे बन गए, अब 3 फंदे हमने अगले भी सीधे बुन लेने हैं। फिर अगले 6 फंदे आ गए, इनमें से अगले 6 फंदे जो हैं 3 फंदे पहले वाले उतारने हैं और पीछे वाले 3 फंदे दूसरी सिलाई पे चढ़ा लेने हैं इस तरह से। और फिर हमने ये 3 फंदे पीछे की तरफ ले जाने हैं। और ये फंदे भी हमने उस सिलाई के ऊपर चढ़ा लेने हैं ऐसे करके, ये देखिए। और फिर इनको हमने सीधा बुनते हुए 6 फंदों को कंप्लीट करना है। इस तरह से अब फिर 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं और इसी तरह से पैटर्न को इस सिलाई में कंप्लीट करना है। ये देखिए हमारी 7वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हमने 8वीं सिलाई बुननी है। इसके लिए वही पैटर्न बनाएंगे जैसे पहले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और फिर अगले 6 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। इसी तरह से इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से।
अब देखिए 8 सिलाइयाँ बनने के बाद ये इस तरह से लग रहा है। अब हमने फिर से 6 सिलाइयाँ ऊपर बुननी है, जैसे स्टार्टिंग में बुनी थी उस तरह से बुन के फिर 7वीं सिलाई में हमने ये जो फंदे हमने आगे पीछे किए सिलाई के ऊपर वैसे बना के हमने डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए मैंने फिर से ऊपर 6 सिलाइयाँ बुन दी हैं। अब हम फिर से वही पैटर्न को दोहराएंगे इस तरह से। ये देखिए ये 3 फंदे उतार दिए, पिछले 3 फंदे दूसरी सिलाई पे चलाए और आगे वाले फंदे हमने पीछे ले जाने हैं सिलाई पे, और जो पीछे वाले थे उनको आगे सिलाई पे चढ़ा लेना है इस तरह से ये, और फिर इनको सीधे ही बुन लेना है। इसी तरह से हमने ये पूरी सिलाई को भी कंप्लीट करना है। ये देखिए ये देखिए दूसरी बार डिज़ाइन ये है रिपीट हो गया। ये देखिए अब ये ऐसा दिख रहा है, जैसे रस्सी को बल डाला होता है ये उसी तरह से लग रहा है। अब हमने फिर से 6 सिलाइयाँ ऊपर बुननी हैं और फिर 7वीं सिलाई में इस पैटर्न को दोहराना है। मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये पूरे स्वेटर पे बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनता है। बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए, बड़ा ही प्यारा लगेगा। धन्यवाद।